सो ही गाइस, आई होप करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अवनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो उनके लिए है जो कैंडिडेट्स जो हैं पास हो चुके हैं मेरिट लिस्ट में, यानी उनका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। और आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि उनकी मेडिकल डेट क्या है और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या क्या ले जाना है मेडिकल के वक्त। तो गाइस, वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड देखना और बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको आप समझ पाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आता है हमारा इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन है, पहले कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड ए कॉपी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उसकी एक ओरिजिनल चाहिए और एक कॉपी चाहिए। तो गाइस, चलो सबसे पहले देख लेते हैं। एक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी एक एडमिट कार्ड जो है आपको अपने पीडीएफ से निकलवा के उसको प्रिंट करवा लेना है, वही उसकी एक कॉपी करा के आपको लेके जाना है। उसके बाद आगे जाते हैं तो आगे आते हैं एक कॉपी द मार्क लिस्ट। अब आप बोलेंगे मार्क लिस्ट का मतलब क्या है, तो मार्क लिस्ट का मतलब ये है कि जब आपके जहाँ सारे मार्क्स दिखाए थे जिसमें लिखा था कि रिटर्न इन द क्वालिफाइड इन द रिटर्न एग्ज़ाम, वो वाला जो है पेज आपको कॉपी करा के ले जाना है। उसके बाद आगे बढ़ते तो थर्ड पे आते हैं ओरिजिनल कॉल लेटर सेंट बाय द स्कूल फॉर कंडक्ट ऑफ मेडिकल। तो गाइज, आपको स्कूल जो है उसने भी एक जो लेटर ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है उसको आपको ले लेना है और उसको कॉपी करा देनी है। उसके बाद आगे बढ़ते तो रहते हैं टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी आपको जो लेटेस्ट फ़ोटो जो आपने खिंचा रखी है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, यानी लेटेस्ट यानी अभी अभी की, पहले की नहीं चाहिए, अभी प्रेजेंट की ही चाहिए। ओके दोस्तों, आई होप करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट एट 7:30 हावर्स एट सिविल हॉस्पिटल गोलपारा। तो गाइस, इसका मतलब है कि जो गोलपारा कैंडिडेट है वो सिविल हॉस्पिटल गोलपारा में जाएंगे। और यहाँ पे और भी कुछ एड्रेस लिखा है, भालुक दूबी गोलपारा आसाम ऑन डेट, तो उनकी जो डेट है उस पे उनको जाना है। और गाइस, अगर आप जानना है कि हमारा कौन सा हॉस्पिटल होगा, तो दोस्तों जहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपने मेरिट लिस्ट चेक की है उसके नीचे जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट मिल जाएगा, उसमें आपको अपना हॉस्पिटल पता कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ रिमूव वैक्स फ्रॉम ईयर्स बिफोर कमिंग द मेडिकल। तो अगर इसमें अगर अभी तक आपने हमारे मेडिकल्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और उसमें आपको कान के वैक्स जो है साफ़ करा लेने हैं, तभी आपको मेडिकल कराने के लिए जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो पेरेंट्स आर टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर स्टे। गाइस, तो इसका मतलब है कि जो है आपको अपने रुकने की व्यवस्था खुद करनी होगी, आपको जो है स्कूल वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको खुद व्यवस्था करनी होगी रुकने की। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट आर बीइंग कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन द रेशियो, यानी 1:3 ईच। ओके दोस्तों, यानी हर स्कूलों में जो आपको 1:3 के रेशियो में आपको जो है 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया गया है। ओके दोस्तों, यानी कि 3 गुना जो कैंडिडेट थे वो उनको हटा दिया गया है, यानी 3 भाग में से एक ही भाग को बुलाया गया है, यानी वो उनको सिलेक्ट किया गया है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, तो कैटेगरी एज पर द रेगुलेशन ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी हैंस द कॉल फॉर मेडिकल। अब इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं वो रेगुलेशन, मतलब कि उनका ज़रूरी नहीं है कि उनका सीट हो जाए, अभी वो अगर मेडिकल पास करते हैं तब जाके जो है उनका मेडिकल पास होने के बाद ही सीट आगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारी सीट कंफर्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, अभी आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई है, अभी जब आप अपना मेडिकल पूरा करा लेते हैं तभी आपकी सीट जो है कंफर्म होगी। तो गाइस, अब दूसरा चलते हैं, तो आता है हमारा स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द रैंक, यानी जो स्कूल है सैनिक स्कूल है जो आपका, वो एक रैंक पर आधारित है, यानी रैंक के आधार पर है, बेस्ड है। तो उसका जो रैंक है वो बता देता हूँ। तो इन द स्कूल वाइज
क्लास वाइज, जेंडर वाइज। जो उनकी मेरिट लिस्ट बनती है वो पहले स्कूल वाइज होती है, फिर क्लास वाइज होती है, फिर जेंडर वाइज होती है, फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट होती है। उसके बाद जब वो बच्चा जो हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइड अगर दिख रहा है तो ही जो है उसका मेडिकल फिटनेस किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा। और वो जो मेडिकल होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, वेरिफिकेशन उसका होगा, देखा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स असली है कि नहीं, तो उसके बाद जाके जो उसका मेडिकल होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो वैकेंसीज एक्सटेंस पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी जो वैकेंसीज हैं वो जो है इसी पॉलिसी पर रिजर्वेशन होगा, इसी पॉलिसी पर जो आपको परसेंटेज दिया गया है। अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज वाली, जो वैकेंसीज की क्या क्या कितनी वैकेंसीज होती है उनके लिए, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और जितने भी हैं उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आता है कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट एंड मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी इंटरव्यूड सेपरेटली, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो एक एक कैंडिडेट जो है मेरिट में होने चाहिए, और मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन, और सारी की सारी जो मीटिंग होगी वो एक एलिजिबिलिटी कंडीशन पे होगी, विल बी इंटीमेटिव सेपरेटली, वो उसके योग्यता होने चाहिए और वो शर्तों को जो है पूरा, उनकी शर्तें जो हैं होनी चाहिए, तभी जाके उनका एडमिशन होगा, और थ्रू लेटर ऑफ एडमिशन, यानी जब आपका हो जाएगा मेडिकल के बाद तो आपके पास एक लेटर भेजा जाएगा, एडमिशन का लेटर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।